50,000 रुपए विड्रॉ करके अपने गांव इघरवा की ओर जाने की ई रिक्शा से वो अपने गांव लौट रही है। और दो अभियुक्तों ने मोटरसाइकिल पे बैंक से ही उनका पीछा किया। वो ई रिक्शा से निकल के अपनी गली में एंटर करी तो एक अभियुक्त मोटरसाइकिल से नीचे उतर के उनके पीछे भागा और उनके हाथ से जो पैकेट था जिसमें उनके 50,000 रुपए नगद पासबुक और आधार कार्ड था उसको छीन के मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। सीओ नानपारा के नेतृत्व में दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी 27 मई 2024 को थाना मटेरा के क्षेत्र अंतर्गत इंडियन बैंक से दोपहर 2 से 3 बजे के बीच एक बुजुर्ग महिला 50,000 रुपए विड्रॉ करके अपने गांव इघरवा की ओर जा रही थी। ई रिक्शा से वो अपने गांव लौट रही थी और दो अभियुक्तों ने मोटरसाइकिल पे बैंक से ही उनका पीछा किया। और गांव में जब पहुंचने पर वो ई रिक्शा से निकल के अपनी गली में एंटर करी तो एक अभियुक्त मोटरसाइकिल से नीचे उतर के उनके पीछे भागा और उनके हाथ से जो पैकेट था जिसमें उनके 50,000 रुपए नगद पासबुक और आधार कार्ड था उसको छीन के मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। इस घटना का संज्ञान लेते ही तत्काल हमारी टीम सक्रिय हो गई थी। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था और तभी से अभियुक्तों की तलाश जारी थी। तो बेहतरीन खुलासा करते हुए थाना मटेरा की टीम द्वारा और एसओजी द्वारा सीओ नानपारा के नेतृत्व में दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो घटना के समय इनके द्वारा मोटरसाइकिल उपयोग की गई थी उसको भी बरामद कर लिया गया है और इनके पास से एक नया उन्हीं पैसों से खरीदा हुआ मोबाइल फोन और 37,500 रुपये रिकवर हुए। तो 100% रिकवरी है। कुछ पैसे का उनके द्वारा फोन खरीद लिया गया था वो भी बरामद कर लिया गया है। और जो पूछताछ में बात संज्ञान में आई है वो ये है कि ये दोनों युवक जुआ खेलने के आदी थे और पूर्व से भी इनके ऊपर जुए का कर्ज था जिसको अदा करना चाहते थे और घटना के तत्काल बाद पुनः जाके इन्होंने रिशिया क्षेत्र में जुआ खेला और उसमें और पैसे अपने हारे। तो 4 दिन के अंदर बेहतर खुलासा टीम द्वारा किया गया है। उसके लिए उनको भी नकद पुरस्कार दिया जा रहा है और इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आज जेल भेजा जा रहा है। हाँ, जो उस दिन की सीसीटीवी फुटेज देखी गई है ये काफ़ी लंबे समय तक बैंक के परिसर और उसके आसपास टहलते रहे जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये खोज में थे किसी सॉफ्ट टारगेट की जिससे ये लूटपाट की घटना कर सके। तो उसके बाद से हमारे द्वारा भी सभी पुलिसकर्मियों को हिदायत दी गई है कि जो बैंक चेकिंग होती है उसमें बैंक परिसर में टहलते हुए संदिग्ध व्यक्तियों के सत्यापन और तस्दीक करने से और अधिक बल दिया। इनके आपराधिक इतिहास को टटोला जा रहा है। इनके द्वारा मौखिक रूप से बताया गया है कि पूर्व में मुंबई में भी चोरी आदि के केसेस में जेल में रहे हैं पर अभी मुकदमा संख्या नहीं अभी तक। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।